नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। हेलो गाइज, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टॉक। ऐश्वर्या राय का दर्द आया सामने और उन्होंने बोला कि मैंने सलमान खान की मार भी खाई है। तो ये चीज़ एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय का दर्द सामने आया, वो मैं आपको बताऊंगी। पर अब अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुँचाते रहें। और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। ऐश्वर्या राय और सलमान खान के रिश्ते के बारे में तो सबको पता ही है कि ये बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत सारे लोग इस रिश्ते को पसंद करते थे। ऐसा तो है ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में कि अभिनेत्री साथ में काम करते करते प्यार के मामले में पड़ जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। पर ऐश्वर्या राय और सलमान खान का रिश्ता कुछ अलग ही था। जैसे कि हम दिल दे चुके हैं सनम में उन दोनों ने साथ में काम किया था और उन दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अभी हाल ही में ही ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू में ये चीज़ बोली है कि मैं भी सलमान खान को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसकी वजह से ही मैं उनकी मार तक सह जाती थी। पर किसी मार का या किसी चीज़ की हद हो जाती है तो मेरी भी हद हो गई थी। अगर सलमान खान का मैं फ़ोन तक नहीं उठाती थी तो सलमान खान मेरे घर पे आ जाते थे, मुझे तंग कर देते थे। तो मेरे घर तक पहुँच के एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी कि रात को 2 बजे मेरे घर पर आ डोर खटकाए और जब तक उन्होंने डोर नहीं खोला तब तक सलमान खान उनका डोर खटकाते रहे और उनके हाथ में खून भी आ गया। तो ऐश्वर्या राय ने लास्ट में डोर खोला और उसके बाद ऐश्वर्या राय के फादर ने सुबह ही जाकर पुलिस स्टेशन में सलमान खान कर ऊपर कंप्लेंट कर दी। और सलमान खान की वजह से ऐश्वर्या राय ने अपने घर वालों को मतलब कि अपना घर भी छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद सलमान खान ने उनको ये चीज़ बोला कि तुम मेरे साथ नहीं, तुम किसी और के साथ भी रह के आई हो। तो ये सुन के ऐश्वर्या राय को बहुत दुख हुआ, तो उनकी सहने की हद बहुत पूरी हो गई, तो उन्होंने सिर्फ सलमान खान से ब्रेकअप करने का फैसला ले लिया। वैसे तो सबको ये लगता है और सबको ये पता है कि सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को छोड़ा, पर सच ये है कि जो उन्होंने इंटरव्यू पे बताया कि मुझे सलमान खान बहुत तंग करते थे इसीलिए मैंने ब्रेकअप का फैसला लिया और उनके साथ ब्रेकअप कर दिया। लोग अभी भी कहते हैं कि सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को छोड़ा, पर लोग अभी भी ये चाहते हैं कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय वापस आएं, साथ में आएं। क्यों आएं? क्योंकि उनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा सराहा गया था, बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने साथ में काम किया और बहुत सारा प्यार से जैसे कि वो दिखाई देते हैं एक दूसरे की आंखों में, उन सबको प्यार दिखाई देता है। अगर आप सलमान खान के या ऐश्वर्या राय के फ़ैन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी गाइज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम न्यूज़ पहुँचाते रहें। और ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करते जाना। बाय, टेक केयर, नमस्कार।